हर्ष न्यूज की सारी खबरें आप तक। गीता कॉलोनी थाने की टीम ने एक सनेचर के साथ दो जुबिनाइल को पकड़ा। 8 मोबाइल फोन, 2 स्कूटी बरामद की। सहादर जिला के DCP रोहित मीणा ने रविवार को मीडिया को बताया कि 5 जून को FIR संख्या नंबर 313/23 धारा 356 379/34 IPC के तहत एक मामला दर्ज किया था मोबाइल फोन छीनने के संदर्भ में। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम बनाई गई थी जो कि गीता कॉलोनी थाने के SHO के नेतृत्व में ये टीम बनी थी। इस टीम के अंदर हेड कांस्टेबल विकास, हेड कांस्टेबल हिमांशु, कांस्टेबल दीपक इस टीम में शामिल थे। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास के लगे तमाम CCTV फुटेज चेक किए, उनका विश्लेषण किया। एक फुटेज से टीम को अपराधियों की कुछ झलकियां मिली जो कि एंटॉर्क रेड और ब्लैक कलर की स्कूटी पर अपराधी बिना हेलमेट के देखे गए थे। फुटेज से स्कूटी का नंबर देखा और लेकिन नंबरों की पूरी श्रृंखला पढ़ने योग्य नहीं थी। CCTV फुटेज के आधार पर टीम ने अपराधियों के बारे में खुफिया जानकारी जुटानी शुरू कर दी। टीम ने पुस्ता रोड गीता कॉलोनी में जाल बिछाया और एंट्रोक स्कूटी की औचक जांच शुरू की और 7/6/2023 को SDM पिकेट शास्त्री नगर के पास शाम के 7 बजे करीब एंट्रोक रेड और ब्लैक कलर की स्कूटी पर दो लड़कों को नाला रोड जगतपुरी की ओर से आते देखा। हेड कांस्टेबल हिमांशु ने अपराध की कमीशन का इस्तेमाल की गई उसी स्कूटी को देखा और पुलिस टीम ने स्कूटी का पीछा करना शुरू किया और ASI अनूप, हेड कांस्टेबल विकास व कांस्टेबल दीपक ने वाई पॉइंट गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर अपराधियों को रोका। स्कूटी सवार की पहचान सैफ पुत्र जिसान निवासी बिलाल मस्जिद शास्त्री पार्क के रूप में हुई जिसकी उम्र 19 साल है। उसके साथ एक 16 साल का जुबिनाइल था। बाद में पूछताछ करने पर अपना अपराध कबूल किया और एक अन्य स्कूटी भी बरामद की और एक 17 साल का जुबिनाइल को भी पकड़ा। आरोपियों की तलाशी लेने के दौरान टोटल 8 मोबाइल फोन बरामद हुए। इसके अलावा 2 स्कूटी बरामद की। तीनों से पूछताछ जारी है।